हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हैप्पी हैप्पी बिस्कुट का केक। इसे बनाने के लिए हम देख लेते हैं हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। ये है 8 पैक है हैप्पी हैप्पी बिस्कुट का। इसे मैंने फाड़ कर निकाल लिया था 2 पैक। और ये है कैडबरी जेम्स केक को डेकोरेट करने के लिए। ये है डेरी मिल्क। ये है हम फर्मेंटिंग करने के लिए केक में डालेंगे। आप इनो का भी यूज कर सकते हैं। ये है थोड़ा सा दूध। ये हम देख लेते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं, तो फिर शुरू करते हैं अपना वीडियो। अब मैंने सारे बिस्कुट्स को अनपैक कर लिया है। अब इसे हम एक एक करके तोड़ देंगे ऐसे। अब मैंने सारे बिस्कुट को तोड़कर प्लेट में रख लिया है। ये कुछ इतने हुए हैं। और इसके साथ हम 3 चम्मच चीनी ऐड करके मिक्सी जार में पीस लेंगे। बिस्कुट पीसने से पहले हम सबसे पहले अपना बर्तन जिसमें हमें केक बनाना है, मेरे पास ये बर्तन था तो मैंने इसका यूज कर लिया है। आप चाहे तो भगोने का भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने सारे बिस्कुट को पीस कर पाउडर बना लिया है। अब चीनी, 2 चम्मच चीनी हम ऐड करेंगे। ये है चीनी पाउडर। चीनी पाउडर डालकर बनाएंगे तो ज़्यादा ही सही रहेगा। जो मैंने चीनी दिखाई थी उसे भी पीस लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह मिला लेंगे स्पून की हेल्प से। सबसे पहले हम एक केक मॉड्यूल ले लेंगे इस तरीके का, और इसे ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से, ऊपर नीचे ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अगर आपके पास केक टिन ना हो तो आप इस तरह का छोटा सा भगोना होगा आपके पास, तो आप इसमें भी अपना केक बना सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा मैदा डाल के इस डस्टिंग कर लेंगे चारों तरफ से, इसको फैला लेंगे। इस तरह से मैंने केक टिन को मैदे से डस्टिंग कर ली है इसकी। इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध मिलाते हुए चलाते हुए इसे अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। दूध की क्वांटिटी थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, इसलिए मैंने परफेक्ट क्वांटिटी नहीं बताई है। पेस्ट है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से गिरना चाहिए। इनो पाउडर ऐड करना है और इसे जल्दी जल्दी से चलाना है। थोड़ा सा दूध डालेंगे ताकि ये जल्दी से घुल जाए। घोल बनाकर तैयार कर लेना है। और इसमें मैंने दोनों इनो पाउडर डाल दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे और सारा प्रोसीजर बहुत जल्दी करना। इस तरह से अच्छी तरह से टैप कर लेना है और थोड़े से डेरी मिल्क इस तरह से इसमें ऐड कर लेना है। इसे लगभग 45 मिनट्स के लिए, 45 मिनट के लिए हम बेक होने के लिए छोड़ देंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे थोड़ा सा। लगभग 45 मिनट्स हो चुके हैं। हम इसे फोक की हेल्प से चेक करके देख लेते हैं कि हो गया है कि नहीं। ये बिल्कुल साफ निकल के आ रहा है, इसका मतलब कि केक हमारा पूरी तरह, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा केक फूलकर एकदम स्पंजी हो गया है। अब हम इसे नाइफ की हेल्प से चारों तरफ से कट करके इस तरह से, अब हम इसे 10 से 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद इसे डीमोड्यूल करेंगे। अपने केक को डीमोड्यूल कर लिया है। अब इसे हम प्लेट की हेल्प से पलट लेंगे। मैंने बची हुई कैडबरीज को इसमें पिघला लिया है। अब इसे हम स्पून की हेल्प से चारों तरफ फैला लेंगे। अब हमने एक एक कैडबरी जेम्स इस पे लगा के इस तरह से सजा देंगे। चॉकलेट का टेस्ट लगाने के बाद हमें जेम्स को इस तरह से सजा देना है।
अब हम नाइफ की हेल्प से इसे कट करेंगे। मैं आपको इसे कट करके दिखा देती हूँ। ये फूल कर कितना स्पॉन्जी बना है और कितना परफेक्ट बन गया है। अब मैं आप लोगों को स्पून की हेल्प से कट करके बता देती हूँ ये कितना स्पॉन्जी बना है। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप लोगों ने इसे घर पर ट्राई किया कि नहीं। क्रिसमस स्पेशल चॉकलेट केक है। मैरी क्रिसमस।